हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भिलारिया फैमिली क्लब। दोस्तों, डेली यूज सेंटेंसेस में आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मैंने एक ट्रिक किया है। मैं क्या करूंगा कि जो भी सेंटेंस मैं हिंदी में बोलूंगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले, उसका ट्रांसलेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप अपने से बना सको और फिर मैच करते हैं कि आपका मैच करता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता, मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता। तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट्स योर टर्न। आपने होप बना लिया होगा। तो मुंह लगाने को इंग्लिश में कहते हैं किसी को वैल्यू करना, मुंह लगाने को। तो आई डोंट वैल्यू यू, मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता, आई डोंट वैल्यू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता। आई थिंक आपने सेंटेंस बना लिया होगा। और सुनी सुनाई नहीं बनाया है तो सुनी सुनाई बातों को कहते हैं हियर से, हियर से। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट बिलीव इन हियर से, मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन हियर से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सुधर जाओ अपनी आदतें सुधारो। या तो हम ऐसे बोलते हैं कई बार सुधर जाओ, या हम बोलते हैं कि अपनी आदतें सुधारो। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। आदतें सुधारने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं मेंड योर वेज। क्या बोलते हैं? मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बहुत ईजी है ये, मेंड योर वेज से ही बनेगा। तो होप आपने कन्वर्ट कर लिया होगा। आप देखते हैं, यू विल नेवर, कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, यू विल नेवर मेंड योर वेज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरा बस चले तो मैं उससे कभी बात नहीं करूं। अगर मेरे बस चले, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं आपके लिए। अगर ये मेरे बस में होता या मेरा बस चलता, मेरे हाथ में होता, हम बोलते हैं ना कई बार बस चले, इसके लिए हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इफ आई हैड इन माई वे या आई हैव इन माई वे। हैव और हैड, वो टेंस के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इफ आई हैव इन माई वे आई विल नॉट टॉक टू हिम। अगर ये मेरे बस में होता, इफ आई हैव इन माई वे, जब भी कभी आपने ये बोलना हो कि अगर ये मेरा बस चले या मेरा बस चलता, तो आपके लिए आप यूज करोगे I have in my way और I had in my way। यहाँ पे सेंटेंस है परफेक्ट में, अगर मेरा बस चले तो मैं उससे कभी बात नहीं करूं। If I have in my way, I will not talk to him। अगर मेरा बस चलता, देखिए सेंटेंस चेंज हो गया, अभी क्या है, ऊपर अभी बस चल सकता था, अब यहाँ पे चलेगा नहीं क्योंकि खत्म हो चुकी है वो बात। अगर मेरा बस चलता मतलब कभी चला होता पास में, तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, तो मैंने उसका मुंह तोड़ दिया होता। इफ I had in my way, if, sorry, यहां पे गलती से मैं लिख दिया है, वे होना चाहिए, if I had in my way, I would have smashed his face। मुंह तोड़ने को बोलते हैं smash। तो यहां पे हमने एक वर्ड नया भी सीखा, smash। तो if I had in my way, I would have smashed his face। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी से काम चलाना है, तुम्हारे पास जो है उसे तुम्हें उसी से काम चलाना है। तो उसी से काम चलाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, मेक डू, मेक डू। होप आपने अभी सेंटेंस जो है बना लिया होगा, या नहीं बनाया तो चलिए देखते हैं। यू विल हैव टू मेक डू, यू विल हैव टू, तुम्हें करना होगा, चलाना होगा, चलाना है या चलाना होगा, एक ही बात है, गागे पीने जाना चाहिए हमें, विल हैव टू। तो यू विल हैव टू मेक डू विद वॉट एवर यू हैव, तुम्हारे पास जो है, वॉट एवर मतलब जो कुछ, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी है, वॉट एवर यू हैव, तुम्हारे पास जो कुछ है, यू विल हैव टू मेक डू विद वॉट एवर यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ता, मैं दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ता। तो दूसरे के झगड़े में पड़ने के लिए, किसी चीज में पढ़ने के लिए, दूसरे की बातों में पढ़ने के लिए या झगड़े में पढ़ने के लिए एक जो स्ट्रक्चर यूज होता है, गेट इनटू, गेट इनटू। तो चलिए देखते हैं,
आई डोंट गेट इंटू अदर्स मैस, मैं दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ता। मैस माने झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा जो झंझट होता है, ठीक है। आई डोंट गेट इंटू अदर्स मैस मतलब मैं दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। अक्सर हम कई बार ये बोलते हैं, हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। अब देखते हैं आपका सेंटेंस सही है या गलत। हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज होप फॉर द बेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू हम क्या कर सकते हैं, इज होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की वो कर सकते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए पहला क्या है, हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज होप फॉर द बेस्ट। फिर बोल रहे हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखते हैं अब आपने सेंटेंस बनाया या नहीं, और अगर बनाया है तो सही है या नहीं। देखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, व्हाटएवर हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। व्हाटएवर हैपन्स फॉर गुड, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। नेक्स्ट है, तुम ये शुरू से जानते थे, जानते थे ना, आगे उसने क्वेश्चन मार्क है यहां पे, तुम ये शुरू से जानते थे। तो शुरू से जानने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ऑल अलोन। आप इनिशियल भी हम यूज करते हैं शुरू से, बिगिनिंग के लिए, लेकिन देखिए हर जगह इन द बिगिनिंग या वो यूज नहीं होता। इसके लिए शुरू से जा, इसके लिए होगा यूज ऑल एलोन। ऑल एलोन माना जाता है शुरू से। यू न्यू इट ऑल एलोन aren't you, ये क्वेश्चन मार्क है, aren't you, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, ये क्वेश्चन मार्क है aren't you। फिर मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। I can understand how you must be feeling. अब आप बोलोगे लग रहा है, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, कि वो कह रहा है कि मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लगा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से I can understand how you must be feeling. Must be feeling, must be feeling. Okay? I can understand how you must be feeling. तुम्हें कैसे लगा होगा या तुम्हें कैसे लग रहा है, राइट। नेक्स्ट, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे टेक रेस्ट, नहीं यहां पे टेक रेस्ट का यूज नहीं होगा। एक यहां पे स्पेशल स्ट्रक्चर यूज होता है इसके लिए, आप टेक रेस्ट भी बोल सकते हो, बट वो जो है वो ओल्ड फैशन है, वो जो है एडवांस इंग्लिश नहीं है। तो देखिए, यू आउट टू, आउट टू, ओ यू टी वाला आउट नहीं, ओ यू जी एस टी वाला आउट। You out to get some rest. Take की जगह देखिए get. आजकल get का बहुत ज्यादा यूज होता है. You out to get some rest. तुम्हें थोड़ा आराम लेना चाहिए, ठीक है। Next sentence, थोड़ा solo. थोड़ा solo, जैसे हम बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे take a sleep, नहीं, थोड़ा सा इसमें change है, थोड़ा सा इसको advance में किया है convert, तो इसको बोलेंगे take a nap. Nap माने होता है नींद लेना। तो जैसे सोना अलग चीज है, नींद लेना भी सेम चीज है, बट हम कई बार बोलते हैं ना थोड़ी सी नींद ले लो, टेक अ नैप। टेक अ स्लीप बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगता है, टेक अ नैप। मैं अब और चुप नहीं रह सकता, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। चलिए थोड़ा सा मैं बसा सकता हूं, और अब, और मतलब ज्यादा देर तक, ठीक है। नो लोंगर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नो लोंगर रिमेन साइलेंट, आई कैन नो लोंगर रिमेन साइलेंट, मैं अब और चुप नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता। झेल सकने को बोलते हैं टॉलरेट। तो अब तक आपने सेंटेंस बना लिया होगा, आई कैन नॉट टॉलरेट यू एनी मोर, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता। आई कैन नॉट या आई कैंट tolerate you any more, I can't tolerate you any more. मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे, मुझे लग ही रहा था।
लग ही रहा था। अब आप सोच रहे होंगे फील लाइक कैसे कुछ आएगा, नहीं अगर वैसे बना रहे हो तो गलत है। अब देखते हैं कि किसने सही बनाया किसने नहीं, वो आप देख लेना, कंपेयर कर लेना। मुझे लग ही रहा था, या इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूं, मुझे लगा ही था, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, मतलब पास्ट में मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। आई हैड अ फीलिंग, जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे लग रहा था, तो हम इसको यूज करेंगे, मतलब ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि आपको लगा था ऐसे। देखिए हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं लग रहा था, बट उसका मीनिंग यही था कि मुझे लगा ही था। आई हैड अ फीलिंग यू वुड डू समथिंग लाइक दिस, कि तुम कुछ ऐसा करोगे। यू वुड डू समथिंग लाइक दिस, इस तरह के वर्ड, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता हैड अ फीलिंग। आई हैड अ फीलिंग मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, आई हैड, या मेरे मुझे ऐसी फील आया था। आई हैड अ फीलिंग यू वुड डू समथिंग लाइक दिस। मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं। तो चलिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं मैं। बुरे दौर से गुजरने को बोलते हैं गोइंग थ्रू, गुजरने को बोलते हैं गोइंग थ्रू। दौर भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड, वेरी बैड फेज। बहुत ही सिंपल है ये, गोइंग थ्रू यूज होगा। फेस की जगह आप टाइम भी यूज कर सकते हो। अगर कोई ये बोले कि मैं बहुत बुरे समय से गुजर रहा हूं, तब आप टाइम यूज करोगे, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम। मैं तुम्हें एक या दो दिन में बता दूंगा, एक दो दिन का मतलब हो गया कि एक या दो दिन में बता दूंगा। आपने होप सेंटेंस बना लिया होगा, आई विल लेट यू नो इन अ डे और सो। एक या दो दिन के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसे बोलते हैं डे और सो, अ डे और सो, मतलब एक दिन या दो दिन में। तो आई विल लेट यू नो इन अ डे और सो, दो दिन के लिए हम टू इसलिए नहीं यूज करते कि एक दो दिन का मतलब एक दो दिन नहीं होता, मतलब एक दो दिनों में, मतलब आगे आने वाले कुछ दिनों में। आई विल लेट यू नो इन अ डे और सो, मैं तुम्हें एक या दो दिन में बता दूंगा। तो होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ गेट किया होगा। और दोस्तों अगर लगता है आपको कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं या आपके इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो वीडियो को आप जो हैं वो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जो है आप अपनी इंग्लिश जो है इंप्रूव करते रहें। थैंक यू।